सम्मानित सभाध्यक्ष श्री हनुमान चौधरी जी, श्री राम माधव जी, श्री अंजनैया रेड्डी जी, श्री नागराज राव जी, एडिटर आंध्रा भूमि श्री एमवीआर शास्त्री जी और इस सभा में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं श्री हरि जी को और उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यहां आमंत्रित किया और राष्ट्रीय महत्व के इस विषय पर बोलने के लिए मौका दिया और उनके साथ साथ राम माधव जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उनके ही माध्यम से ये निमंत्रण मुझे मिला और आप सबसे बात करने का मौका मिला। अभी मैं बहुत समझ नहीं रहा था लेकिन राम माधव जी ने विस्तार में और मुझे बताया गया है कि उससे पहले हमारे अंजनैया साहब ने वैधानिक दृष्टि से और सांवैधानिक दृष्टि से इस प्रस्तावित कानून के बारे में बात की। मैं उसके प्रावधानों के बारे में बात नहीं करना चाहता बल्कि मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैंने उस वक्त कही थी जब शाहबानो के केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को के प्रभाव को खत्म करने के लिए उस वक्त की सरकार ने संसद में कानून पेश किया था। तब मैंने एक बार नहीं ये बात बार बार कही थी, अगर कोई खराब संसद या विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाए, बिल पारित कर दिया जाए और वो कानून भी बन जाए तो एक मुद्दत गुजरने के बाद अपने तजर्बों की रोशनी में उसकी खराबी को भविष्य में दुरुस्त किया जा सकता है। प्रावधान कोई पत्थर पर खींची हुई लकीर नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन किसी कानून को बनाते वक्त उसके कारणों और उसके बारे में जो बात की जाती है उसके नतीजे में जो मानस पैदा होता है, जो फोर्सेस अनलीश होती हैं, जो दिमाग बनता है उसको अंडू नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता और उसको समाप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। मेजोरिटी माइनॉरिटी, मैं कहता हूं मुझे संविधान का कोई एक प्रावधान बता दीजिए जिसमें यह बताया गया हो कि भारत में रहने वाले ये लोग मेजोरिटी कम्युनिटी हैं और ये लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक प्रावधान बताइए कोई। माइनॉरिटी शब्द का उल्लेख है लेकिन किस तरह वो उल्लेख है, कर्नाटका के 5 गांव में संस्कृत बोलने वाले लोग वैधानिक और सांवैधानिक दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं, हिंदी बोलने वाले, मैं गलत जगह कह रहा हूं शायद, हैदराबाद नहीं कहना चाहिए, लेकिन हिंदी बोलने वाले
अगर तमिलनाडु और केरला में हैं तो वो अल्पसंख्यक हैं, औरों को तो छोड़ दीजिए। किसी मेरी मैं इस तरह देखता हूं कि संविधान के उन दो क्लॉजेज में जहां अल्पसंख्यक शब्द या माइनॉरिटी शब्द का उल्लेख किया गया है, ये एक तरह का आप बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जिन्हें मूल अधिकार कहते हैं उसको अगर आप पढ़िए तो अधिकार तो दूसरे जो प्रावधान है उसमें भी सुनिश्चित हैं, लेकिन शायद एक मानस बन गया था हमारे यहां, एक जहन बन गया था, और मैं शुरू की बजाय उस जहन की जो पराकाष्ठा है उसकी जो इंतहा है जिसके नतीजे में इस देश का बंटवारा हुआ 1947 में, मैं वहां से वहां पे लाता हूं कि जब इसको आप इसको पीछे की तरफ नजर डालिए, ये जहन कहां से बना था, जहां 1800 कुछ यानी 19वीं शताब्दी के शुरू में उस वक्त वाइसरॉय नहीं होता था, कंपनी का गवर्नर जनरल होता था, वो खत लिखता है ब्रिटिश सरकार को, भारत राष्ट्र नहीं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इंडिया इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज एंड कास्ट, भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत समूह है धार्मिक समुदायों का और जातियों का, और ये कूट कूट के हमारे दिमाग में बिठाया गया, हम अलग हैं, हमारी केवल धार्मिक मान्यताएं अलग नहीं हैं, हमारे सारे दृष्टिकोण अलग हैं, हम हजार साल से इस देश में दीवार से दीवार मिली हुई है साथ रह रहे हैं, लेकिन एकदम से हमें बताया गया कि चूंकि हमारी धार्मिक आस्थाएं अलग हैं इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। ১৯০৬ में एक डेपुटेशन शिमला गया लॉर्ड मिंटो के पास, और उसके कोई 20 साल के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने एक लेख में लिखा, और उन्होंने कहा कि मैं अगर अंग्रेजी का वो फ्रेज इस्तेमाल करूं, वो वाक्य इस्तेमाल करूं जो युद्ध के बीच में अंग्रेजी के पत्रकार इस्तेमाल करते थे, नाउ देर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ एनी हार्म इन डिस्क्लोजिंग, अब इस बात को इस रहस्य को स्पष्ट करने से किसी नुकसान की आशंका नहीं है, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि वो प्रतिनिधि मंडल गया नहीं था, उसको बुलाया गया था, और उस प्रतिनिधि मंडल जो गया था या बुलाया गया था उसने 6 महीने या 4 महीने के बाद ढाके में मुस्लिम लीग बनी, और उसके बाद की जो राजनीति है और खास तौर से 1936 से लेकर 47 तक, मैं कल ही किसी से कल मैं बनारस में था एक कार्यक्रम में, तो जो मित्र मुझे लेने के लिए आए स्टेशन पे वो मुझसे पूछने लगे रास्ते में कि शांति कैसे स्थापित हो, मैंने कहा असल में कुछ घटनाएं इतनी जघन्य होती हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते इतनी उसकी इनॉर्मिटी होती है कि वो हमारे सिर्फ मन मस्तिष्क को नहीं झिझोड़ देती, हमारे पूरे मानस पे असर डाल देती। इस देश के बंटवारे ने हमारे मानस पे असर डाला है, हमें झकझोर दिया है। नतीजा ये है
कि नया संविधान बनने के बाद जिसमें न मेजॉरिटी के कहने के लिए कोई गुंजाइश है और न माइनॉरिटी कहने के लिए, परमानेंट मेजॉरिटी और परमानेंट माइनॉरिटी जैसी कोई चीज नहीं। माइनॉरिटी स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित रामकृष्णा मिशन, उनके जो शिक्षण संस्था है उन्होंने भी माइनॉरिटी राइट एक स्टेज पर क्लेम किया, इसलिए जो उसमें डिफाइंड नहीं है। अगर आंध्र प्रदेश के रहने वाले लोग दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो वो संविधान के वो दो प्रावधान इसलिए कि उनका ताल्लुक मुख्यतः शिक्षा के संस्थाएं स्थापित करने से है। वो आंध्र प्रदेश के कुछ लोग अगर मानिए उत्तर प्रदेश के किसी शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में तो आंध्र सोसाइटी है, वो बड़ी उनका पूरा अधिकार है कि वो संविधान के आर्टिकल 29 और 30 के तहत अगर अपना कोई ऐसी संस्था स्थापित करना चाहते हैं जो शिक्षा की संस्था हो, उनको पूरा हक हासिल है कि वो उसको उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो संविधान हमारा किसी कम्युनिटी को परमानेंटली ना माइनॉरिटी बताता है ना मेजॉरिटी बताता है, लेकिन देश के विभाजन ने हमें ऐसा झजोड़ा है कि हम जब बात करते हैं मेजॉरिटी कहिए तो आदमी समझेगा हिंदू, और माइनॉरिटी कहिए तो आदमी समझेगा मुस्लिम, क्रिश्चियन या और भी कम्युनिटीज। हमारी संविधान सभा ने दो काम किए, हमारे फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर क्या है, राज्य इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सबके समान कानून लागू हो और समान प्रोटेक्शन संरक्षण प्राप्त कानूनों का। आर्टिकल 15 कहेगा राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि किसी के खिलाफ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन दो हमारे ऐसे फैसले हैं संविधान सभा के जो बहुत पॉजिटिव फैसले थे, और उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पॉजिटिव फैसले क्या थे? पहला फैसला था जिस चीज ने इस देश को हमारे राष्ट्रीय समाज को कमजोर करके रखा और दूसरों को ये कहने का मौका दिया कि ये एक देश नहीं है बल्कि ये विभिन्न समुदायों का समूह है, वो जो जातिगत आधार पर ऊंच नीच थी, मैं जाति नहीं कह रहा, जातिगत आधार पर जो ऊंच नीच थी, आर्टिकल 17 के जरिए एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पर्श्यता का उसका उसको खत्म करके हटा के उस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, ताकि हमारी अंदर जो जिस चीज ने हमें एक जमाने से अंदर से कमजोर करके रखा, ये कोई साधारण, ये फिर वही बात है कि जो उस व्यवस्था होती है उससे मानस बनता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कोई निरफो हमें कहानी, दासी का बन जई है रानी। यानी एक बड़ी तादाद थी इस देश में जो ये समझते थे राज कोई भी करे हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, हमें तो जो काम करना है, हमें अगर कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने हैं, हमें जूता बनाना है तो जूता बनाना है, राज कोई भी करे। नतीजा क्या है मैं उसकी विस्तार में नहीं जाऊंगा, इतिहास पे हम नजर डालें तो उसका हमें नतीजा सामने नजर आता है। दूसरी चीज कि अंग्रेज ने इस चीज का फायदा उठाते हुए और ये दिमागों में बात भरी कि तुम अलग हो और तुम अलग हो, और तुम्हें वो जैसे यूरोप में एक जमाने में सोशलिज्म बहुत पॉपुलर था, बहुत लोकप्रिय था समाजवाद, तो वहां किसी ने लिखा कि सोशलिज्म का मतलब है सोशलिस्ट लीडर्स को समाजवादी राजनेताओं के बारे में उनको
उनके बारे में बताते हुए लिखा कि दे आर दी वंस हु कलेक्ट मनी फ्रॉम द रिच, दे कलेक्ट देयर वोट्स फ्रॉम द पुअर, प्रॉमिसिंग टू ईच सेक्शन दैट दे विल प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द अदर। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह उसने कहा तुम्हारी धार्मिक आस्थाएं अलग हैं, तुम्हें तुम्हारे एक दूसरे किससे तुम्हारे ही टकराते हैं, एक को कहा हम तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, दूसरे को कहा तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, कुछ को इधर लगा दिया, कुछ को इधर लगा दिया, और इतना ज्यादा कर दिया जैसे मैंने पहले कहा कि 1906 से लेके वो राजनीति शुरू हुई, 1935 आते आते जोर पकड़ गई और 1947 में इस देश का बंटवारा हो गया, और वो चीज हमारे मानस पे आज तक। सब कितनी देर बोल रहा मुझे नहीं, फिर भी नहीं साहब ज्यादा क्यों, कब से बैठे हैं लोग जी, सॉरी आप लोग खाना भी तो खाना होगा घर का। मैं माफी चाहता हूं, मेरे बस में नहीं था, फ्लाइट लेट हो गई। तो उसने और वो ऐसी ऐसा जघन्य घटना नहीं, अपराध हुआ है ये देश में, तो ऐसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस है। बंटवारा कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, तो भले ही सामने से उसके जो प्रभाव है वो खत्म हो गए हों, लेकिन उसने हमें झकझोर दिया, हमारे मन मस्तिष्क पर उसका असर आया है, और नतीजा यह है कि 1800 कुछ से लेकर और 1947 तक का जो अंग्रेज का अभियान था और कोशिश थी, उसके नतीजे में आज हम नहीं, पहले मैं वो बात कह दूं कि दूसरी चीज जो की हमारी संविधान सभा ने, हमारी संविधान सभा निश्चित तौर पर इस राय की थी कि अंग्रेज की उन कोशिशों के बावजूद अगर अंग्रेज ने सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक चुनावी व्यवस्था जहां एक धार्मिक आस्था के लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे, अपने प्रतिनिधि, और दूसरे जनरल अलग चुने जाएंगे, अगर असल चीज जिसने इस आंदोलन को बंटवारे के कामयाब बनाया वो